हमने कल स्टडी किया था प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स, उनका अपॉइंटमेंट और उनकी इम्पीचमेंट। आज हम प्रेसिडेंट के एस्पेक्ट को आगे लेकर के चलेंगे और सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की कुछ कंडीशंस, कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशंस क्या रहती है। सबसे पहला एस्पेक्ट यह है कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मैंने कल ही बता दिया था, लेकिन मैंने ये भी बता दिया था कि कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जिसे लॉ पास करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है, वो भी मैंने कल ही बता दिया था, जैसे एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट का ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स, दे आर एग्जम्प्टेड। सेकेंड एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा कहीं का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी हाउस का मेंबर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस दिन वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर करेगा उस दिन अपना वो हाउस उसे छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात में आपको कोई फंसा सकता है कि जिस दिन से प्रेसिडेंट ने चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन दे दिया, क्या उस दिन से उसे अपनी लोकसभा राज्यसभा की सीट छोड़नी है? नहीं, चुनाव में लड़ना कोई गुनाह थोड़ी ना हो गया। अगर वो इलेक्ट हो जाता है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, तब वो अपनी सीट को रेलिंक्विश कर देगा, खत्म कर देगा। ओके जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। दूसरा, प्रेसिडेंट की सैलरी, अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स, पॉक्स, ये सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये सब कुछ पार्लियामेंट समय समय पर डिसाइड करता है। लोकसभा राज्यसभा में बिल आता है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। एक बार जो डिसाइड हो जाता है उसे कभी भी डिमिनिश नहीं कर सकते। जब तक प्रेसिडेंट का टेन्योर है उस टेन्योर में प्रेसिडेंट की सैलरी, पॉक्स, एमोल्यूमेंट्स डिमिनिश नहीं कर सकते, उसे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं। इससे क्या होगा, हमने प्रेसिडेंट को इंटैक्ट रखा है। मतलब कल को प्रेसिडेंट ने राजीव गांधी का कोई बिल रोका, नरेंद्र मोदी का कोई बिल रोका, नरेंद्र मोदी अगले दिन प्रेसिडेंट को हम निकाल तो नहीं सकते, लेकिन सड़कों पे ले आएंगे, भिकमंगा बना देंगे, प्रेसिडेंट की सैलरी, एमोल्यूमेंट्स, पॉक्स एकदम 80% तक गिरा देंगे। और प्रेसिडेंट को बोलेंगे अब तू गाड़ी पे घूम के दिखा, प्रेसिडेंट को बोलेंगे अब तू खर्चे उठा के दिखा राष्ट्रपति भवन के, तो प्रेसिडेंट तो फिर सड़कों पे कैसा हो कि देश का राष्ट्रपति सड़क सड़क घूम रहा है या देश का राष्ट्रपति डोकोमो में जॉब कर रहा है अपने खर्चे चलाने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता, उसके सारे खर्चे हम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि प्रेसिडेंट को एक घर दिया जाता है बिना रेंट के, दैट इज राष्ट्रपति भवन, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, प्रेसिडेंट को आफ्टर रिटायरमेंट भी ऑलमोस्ट सभी फैसिलिटीज मिलती हैं। प्रेसिडेंट की वाइफ को भी, प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट के बाद जब प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए तो वाइफ को भी हाफ ऑफ द बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सारी सर्विस कंडीशंस हैं उनके ऑफिस की, दो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के पास और कौन सी पावर होती है, चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग के अंदर। सबसे पहले प्रेसिडेंट की पावर एज अ लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने से रिलेटेड ताकतें, माने पार्लियामेंट से रिलेटेड उनकी क्या ताकतें हैं। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ना, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड उनकी क्या पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, द वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स। देखिए, सबसे पहली लेजिस्लेटिव पावर यह है कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है उसका सेशन समन करते हैं, बुलाते हैं, और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही पार्लियामेंट का सेशन प्ररोग कर देते हैं, अवसान कर देते हैं। मतलब पार्लियामेंट का सेशन बुलाना और पार्लियामेंट का सेशन खत्म करना, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 74 है, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, उन्हें सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से करना है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही तो जनता ने सीधा चुना है ना, प्रेसिडेंट को तो सीधा नहीं चुना, तो प्रेसिडेंट को चलना है जनता की विल के अकॉर्डिंग। लेकिन जनता की विल को फॉलो करते हुए मंत्री और प्रधानमंत्री कहीं जनता के विरुद्ध ही ना जाने लगे, इसलिए प्रेसिडेंट वहां पर खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी सरकार को जनता के अगेंस्ट जाने नहीं देगा। जब तक ड्राइवर की तरह प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स गाड़ी सीधी चला रहे हैं तब तक प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं, लेकिन जब ये गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो प्रेसिडेंट उन्हें बताएंगे कि ये जो रोड है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी पे चलो, कॉन्स्टिट्यूशन से भटको मत। आई बात समझ में? सेकेंड एस्पेक्ट है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है
कि पार्लियामेंट का सेशन कौन समन करता है। सेशन को प्रिसाइड करने की जिम्मेदारी लोकसभा में स्पीकर की है, राज्यसभा में चेयरमैन की है, लेकिन सेशन को बुलाता कौन है कि आओ सभी बैठो सेशन ऑन करो, ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहली बात। दूसरी, लेजिस्लेटिव पावर क्या है? ये प्रेसिडेंट ही है जो हर 5 साल के बाद जो नई पार्लियामेंट बनती है, यानी कि लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो नई पार्लियामेंट ही बनी ना, नई लोकसभा आई है, तो हर 5 साल के बाद जब भी नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है तो प्रेसिडेंट फर्स्ट फर्स्ट एड्रेस करते हैं, यानी कि हर बार नई लोकसभा बनने पर प्रेसिडेंट का एड्रेस आता है, फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हुआ। हर साल नया सेशन स्टार्ट होने पर भी ओपनिंग एड्रेस प्रेसिडेंट का ही होता है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई और 2014 में लोकसभा के इलेक्शन हुए तो बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी लोकसभा में, तो जब वो लोकसभा में मेजोरिटी मिल गई बीजेपी को, तो उसके बाद जो लोकसभा राज्यसभा का जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन के फर्स्ट डे आके एड्रेस जिसने किया वो प्रेसिडेंट होता है। ओपनिंग ये करते हैं। फिर इसके बाद अगले साल भी तो मिले ना बजट सेशन, हर साल का पहला सेशन होता है बजट सेशन, तो बजट सेशन की ओपनिंग भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। अब ये होता क्या है, साल में पूरे 1 साल में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, देन ये 3 मंथ्स का होता है ऑलमोस्ट, देन मॉनसून सेशन, ये 2 मंथ्स का होता है, देन विंटर सेशन, ये 1 मंथ का होता है। तो कुल मिलाकर के पूरे साल में 6 महीने के लिए संसद लगती है, और हर साल में पहला सेशन बजट सेशन है, तो इसके सेशन के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहते हैं उसे। आई बात समझ में? क्या होता है इसका पर्पस कि प्रेसिडेंट आकर के सरकार की पिछले साल की नीतियों के बारे में सारा बताते हैं और सरकार अगले साल क्या प्रपोज करने वाली है, क्या लाने वाली है, इसके बारे में सारा बताते हैं। अब ऐसे में प्रेसिडेंट ने जब सरकार की पिछले साल की, सरकार की अगले साल की सारी नीतियां बताई हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को थैंक्स पे करने के लिए एक थैंक्स मोशन आता है, मोशन ऑफ थैंक्स, एक बिल प्रेजेंट होता है थैंक्स पे करने के लिए। फिर वो थैंक्स ऑफ मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर सिग्नेचर, यानी कि वोटिंग्स होती है सभी की, और वो वोटिंग से ही पता लगता है कि हाँ जो जन लोकसभा है वो प्रेजेंट की बातों से सहमति रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मोशन ऑफ थैंक्स ही पास नहीं हुआ, तो मतलब प्रेजिडेंट जो बोल के गए वो बोगस था, और प्रेजिडेंट जो बोल के गए वो बोगस है, मतलब प्रेजिडेंट तो खुद से मुंह से कुछ बोलते नहीं, उनको तो सिर्फ मुंह है, वाणी तो सरकार की है, मतलब सरकार की बातों पे ट्रस्ट ही नहीं किया लोकसभा ने, तो सरकार फिर क्या होगी, गिर जाएगी। आई बात समझ में? ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, आने वाले दिनों में पता लगेगी, अभी बस इतना समझ लो मोशन ऑफ थैंक्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझ लिया समन और प्रोरोग करने वाली बात। दूसरा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है? प्रेसिडेंट को यह पूरी आजादी है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पेंडिंग है तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं कि बिल काफी दिनों से पेंडिंग है, कार्रवाई करो। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब पार्लियामेंट ने पर्पजली स्टैंड स्टैंड बाय रखा हुआ है या स्टैंड ऑफ हो रखा है, प्रेसिडेंट का इतना ही नोटिस भेज देना कि ये फलाना फलाना बिल अर्जेंट है, इस पे कार्रवाई करो, मीडिया की सुर्खियां बनेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, और पार्लियामेंट को फिर वो करना पड़ेगा, एक प्रेशर आएगा मॉरली, तो दिस इज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। यानी कि प्रेसिडेंट की एक तरह की गाइड का भूमिका है, प्रेसिडेंट गाइड भी कर सकता है पार्लियामेंट को। डन है जी। इसके बाद प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इन इटसेल्फ एक अटैच्ड पार्ट है, यानी कि प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना तो बिल आगे जा ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा तो प्रेसिडेंट 3 चीजें कर सकते हैं, सुनिए वो क्या कर सकते हैं। कोई भी बिल लोकसभा से होते हुए राज्यसभा या राज्यसभा से होते हुए लोकसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट हुआ है, दूसरे हाउस में पास हो करके सीधा पहुंच जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ताकतें होती हैं। सबसे पहली ताकत होती है कि प्रेसिडेंट उस बिल को असेंट दे दे, एक्सेप्ट कर ले। दूसरा ताकत होती है प्रेसिडेंट उस बिल को विदहोल्ड कर ले, यानी कि रिजेक्ट कर दे। तीसरी ताकत होती है कि प्रेसिडेंट उस बिल को वापसी के लिए भेज दे, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। और चौथी पोजीशन होती है कि नो एक्शन, किसी तरह का कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं प्रेसिडेंट, बिल्कुल फुल स्टॉप चल रहा है। ओके, सो या तो पास करेंगे या विदहोल्ड करेंगे, रिकंसिडरेशन कराएंगे या नो एक्शन करेंगे।
और ये सारी की सारी ताकतें अगर हम ध्यान से देखें तो ये असेंट वाली को छोड़ के बाकी सारी की सारी ताकतें कहीं ना कहीं जो बिल है उस बिल को फॉरबिड कर रही हैं, रोक रही हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं। तो लैटिन फॉरबिड के लिए लैटिन वर्ड है वीटो, देयर इज अ वर्ड वीटो, लैटिन वर्ड इज वीटो। तो ये प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स है। प्रेसिडेंट पे बड़ी बारी सवाल उठता है, प्रेसिडेंट क्या है? एक सिर्फ रबर स्टैंप है। प्रेसिडेंट क्या है? सिंबॉलिक हेड है। प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट जस्ट एक डिज्योर ऑफिस है। लेकिन नहीं, देखिए कैसे काम करता है। प्रेसिडेंट के पास एक बिल गया है तो एक आम बात है कि वो सहमति दे देंगे, लेकिन मान लीजिए कोई बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचा और उन्हें विदहोल्ड कर दिया, कैंसिल कर दिया, फिर वो बिल कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आप एक सवाल पूछेंगे कि हमने ये डिस्कस किया था कि दो बिल होते हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल और एक गवर्नमेंट बिल, डन है जी। अब प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल की क्या गेम है? गवर्नमेंट बिल है, मान लो मंत्री जी ने बिल भेजा, बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, अगर बिल प्रेसिडेंट ने विदहोल्ड कर दिया तो मैंने गवर्नमेंट बिल पार्लियामेंट में फेल हो गया, और गवर्नमेंट बिल पार्लियामेंट में फेल होना मैंने सरकार का गिर जाना, फिर तो आए दिन सरकारें गिरेंगी। समझ आया हमराज? हम यही कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और मंत्री के द्वारा कोई भी बिल लाया जाता है उस बिल का पास होना मस्ट है। आई बात समझ में? उस बिल का पास होना मस्ट है। कहां पे? क्योंकि वो मंत्री को मेजोरिटी कहां पर मिली हुई है? लोकसभा में। तो लोकसभा में वो बिल पास होना जरूरी है। उसके बाद बिल कहां जाता है? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति भी किसकी एड एंड एडवाइस पे काम कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो गवर्नमेंट बिल को असेंट मिलेगा, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। अब किस केस में विदहोल्ड कर सकता है राष्ट्रपति? कन्वेंशन है ये वैसे। कॉन्स्टिट्यूशन आप एक बात देखें तो मोस्टली कन्वेंशन पे बेस्ड है। जब इस तरह की बातें आती है, मने रीति रिवाज है, कोई क्लियर कट आइडियोलॉजी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई क्लियर कट मेजर मेंशन नहीं है। हर बार सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई जजमेंट देता है और उसके बेसिस पे कोई नई थ्योरी निकल के आती है। अभी तक का जो कंसेप्ट है मैं वो समझा देता हूँ कि कन्वेंशनली प्रेसिडेंट उन्हीं बिल्स को विदहोल्ड करता है, या तो वो प्राइवेट मेंबर की तरफ से आए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल को तो विदहोल्ड कर सकता है ना, क्यों करेगा? सरकार कह देगी प्रेसिडेंट को कि इस बिल को सहमति मत देना, विदहोल्ड कर लो, डन। दूसरा, जो गवर्नमेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, यानी कि उस समय उसका कॉन्फिडेंस ही लूज हो चुका है। मान लीजिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी को बीजेपी की सरकार है, सब कुछ है, ऐसे में बिल प्रेजेंट हुआ लोकसभा में, लोकसभा से पास होके गया राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होके गया प्रेजिडेंट के पास 10 जनवरी का दिन। अभी प्रेजिडेंट को उसको कंसिडर करना है, लेकिन एकदम से 11 जनवरी को नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया इस गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास भी हो गया, तो मतलब सरकार तो अब गिर गई, कॉन्फिडेंस नहीं रहा लोकसभा का उसमें, तो प्रेसिडेंट अब इस बिल को असेंट नहीं देगा। प्रेसिडेंट को अब इस बिल को असेंट देना जरूरी नहीं है, वो विदहोल्ड भी कर लेगा। एक तो वो खुद से विदहोल्ड कर लेगा क्योंकि उसको है कि सरकार ही चली गई ये वाली, तो जनता इस सरकार के द्वारा पास नियम मानना चाहे या ना मानना चाहे। दूसरा, जो नई सरकार आएगी वो प्रेसिडेंट को बोल सकती है कि वो पुराने बिल को विदहोल्ड कर दो, कैंसिल कर दो, असेंट नहीं दो, हम नए सिरे से बिल लेकर के आएंगे। ये बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट बिल भी विदहोल्ड हो सकता है, लेकिन कंडीशन ऑलमोस्ट ये है कि गवर्नमेंट जा चुकी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ पास हो चुका है, ठीक है जी। एक और प्राइवेट मेंबर बिल को ऐसा कर सकते हैं। मोस्टली ये ताकत दी गई है कि जो भी कोई हेस्टी प्रोसेस फॉलो किया गया है, बहुत जल्दबाजी में अगर कोई बिल पास किया गया है, या कोई बिल ऐसा है जिस बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए, वो नहीं ली है और सरकार जाने में 2 दिन है, मतलब लोकसभा का टाइम पूरा हो रहा है ना, तो 2 दिन है, और 2 दिन में जाने से जस्ट पहले सरकार ने कोई बिल हड़बड़ी में पास कर दिया है इलेक्शन कैंपेन में यूटिलाइज करने के लिए, ऐसे में प्रेसिडेंट इन चीजों को रोक सकते हैं, अपना असेंट विदहेल्ड कर सकते हैं। आई बात समझ में? और प्रेसिडेंट ऐसे टूल्स का यूज करते आए हैं आज दिन तक, पहले भी हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल जाता है तो प्रेसिडेंट को ये ताकत है कि प्रेसिडेंट उस बिल को दोबारा विचार करने के लिए वापस भेज सकती है, लेकिन अगर वो बिल एज इट इज ही वापस आ जाता है प्रेसिडेंट के पास, या प्रेसिडेंट ने जिन चीजों पर विचार करने को कहा था पार्लियामेंट ने उन चीजों पर विचार किया और उसमें अमेंडमेंट कर दी प्रेसिडेंट की मनमर्जी के मुताबिक, या तो एज इट इज वापस भेज दिया गया है या अमेंडमेंट के साथ, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बिल जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था वो अगर राष्ट्रपति के पास वापस आया है, नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट, अब उसे अपनी सहमति देनी होगी ना। अब वो पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है,
ना अब वो उसे विदहेल्ड कर सकता है और ना अब वो उसे दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। एक बार ही रिकंसिडरेशन वाली वीटो यूज कर ली, मैं प्रेसिडेंट हूं, इस पूरी क्लास ने मेरे पास एक बिल भेजा, मैंने इनको वापस भेजा वो बिल कि इस पॉइंट पे विचार करो, या तो क्लास उस पर विचार करके चेंज करेगी या तो क्लास ने बोला कि नहीं प्रेसिडेंट की अप्रोच यहाँ पे ठीक नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग ये क्लॉज ठीक है, क्लास ने मुझे वो बिल एज इट इज वापस दे दिया, अब मैं बाउंड हूं मुझे साइन देना पड़ेगा। लास्ट वीटो है कोई एक्शन नहीं, माने प्रेसिडेंट के पास बिल आया है और प्रेसिडेंट को अब एक ताकत दी गई है, ना वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, असेंट नहीं दे रहा, ना वो उसे रिजेक्ट कर रहा है विद होल्ड, ठीक है, ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया ना रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस रख लिया है, दबा लिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट को कितने दिनों के अंदर असेंट देना है, ये कोई टाइम मेंशन नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को हर बिल को 10 डेज के अंदर अंदर सहमति देनी होती है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट कितने दिनों में सहमति दे ये कुछ मेंशन नहीं है। तो यहां से एक ऑटोमेटिक वीटो जन्म ले गई कि अगर वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए असेंट ही नहीं दे रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब उसने बिल पॉकेट में डाल लिया है, दिस इज पॉकेट वीटो, नो एक्शन एट ऑल। ऐसा कब करते हैं राष्ट्रपति, जब उन्हें लगता है कि ये बिल बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है तो वो रख लेते हैं, और ऐसा पहले भी हुआ था। जैसे हम ध्यान से एक चीज सुनते हैं, राजीव गांधी की सरकार के समय पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1989 में आता है, उस टाइम पे उस समय के प्रेसिडेंट जो थे वो उस बिल को कहीं ना कहीं चुप करके पॉकेट में डाल लेते हैं, मतलब कि कुछ नहीं करते उसके ऊपर, क्योंकि वह कॉन्ट्रोवर्शियल बिल था, मीडिया की आजादी को कर्टेल कर रहा था, मतलब वो ये आजादी दे रहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किसी भी मेल को तारपत्र को इंटरसेप्ट करने की आजादी है, अगर उसे लगता है कि इसमें कोई कंटेंट ऐसा है, मतलब जितने भी मीडिया के लेटर इधर से उधर जा रहे कुछ भी वो इंटरसेप्ट कर सकते थे। तो इस पे उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्हें आपत्ति थी, तो कुल मिलाकर के उन्होंने अपना असेंट जो है वो कहीं ना कहीं पॉकेट में रखा। जैसे ही नई सरकार राजीव गांधी की सरकार गिर गई, उधर से वो राष्ट्रपति भी चेंज हुए, नई सरकार बनी, राष्ट्रपति भी दूसरे आए थे, तो नए राष्ट्रपति ने वो बिल फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, और नई सरकार इसी मुद्दे पर आई थी कि हम पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को नहीं आने देंगे, तो उन्होंने फिर राष्ट्रपति को बोला कि आप विद होल्ड कर दो, कैंसिल कर दो अपना असेंट, तो उन्होंने फिर असेंट ही कैंसिल कर दिया। आई बात समझ में, कि मतलब ये बिल ही एंड कर दो, इस बिल की नीड ही नहीं है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, उन्होंने वापस ही नहीं करा, कहते निरस्त है, खत्म है। तो यहां पर ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी वो ताकत यूज की पॉकेट वीटो वाली, मतलब उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, अपने टाइम के दौरान एटलीस्ट उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर, और अगला राष्ट्रपति जो आया फिर वो जो भी कॉल ले सकता है। मतलब एक प्रेसिडेंट के टेन्योर के एंड के साथ वो वाला बिल एंड नहीं होता जो एज उनके टेबल पे पड़ा है, क्योंकि वो बिल प्रेसिडेंट ऑफिस में पड़ा है, नया प्रेसिडेंट आके भी उस पर कॉल ले सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इसलिए बनाया है ना कि कॉन्टिन्यूटी बने रहे पॉलिटिक्स में। तो प्रेसिडेंट एक पर्सन है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफिस एक इंस्टीट्यूशन है, तो बिल एक इंस्टीट्यूशन के टेबल पे पड़ा है, उसमें कोई नया प्रेसिडेंट आके भी कॉल ले सकता है। ये बातें समझ में आ गई? तो मैंने जो आपको सारी वीटोस बताई, ये जो भी आपने देखी अभी, जिस वीटो में प्रेसिडेंट विदहोल्ड करता है, कैंसिल करता है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट के साथ है। जिसमें हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था, लेकिन प्रेसिडेंट की सलाह वापस से फिर कैंसिल हो गई जब पार्लियामेंट से वो बिल एज इट इज वापस आया, तो यानी कि प्रेसिडेंट की वीटो सस्पेंड हो गई ना, तो ये सस्पेंसिव वीटो। और उसके बाद हमने देखा प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो दैट इज पॉकेट वीटो। एक वीटो और होती है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के केस में है, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अगर कोई बिल वापस भेजा है तो पार्लियामेंट को उस बिल को पिछली बार से सिंपल मेजोरिटी थी ना, अगली बार से पिछली बार से ज्यादा मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी के साथ फिर वो बिल प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा। इसे हम कहते हैं क्वालिफाइंग वीटो, क्वालिफाइड वीटो। ये इंडिया के केस में एग्जिस्ट नहीं करती, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ तीन वीटोस हैं। कौन सी वीटो है? एब्सोल्यूट वीटो विद होल्ड करने वाली, रिकंसिडरेशन वाली सस्पेंसिव वीटो, एंड नो एक्शन वाली पॉकेट वीटो। तीन वीटो ये लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया अमराज, आंसर मिलेगा जैसे अभी लेक्चर आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, अभी सारे आंसर मिलेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट की 1971 की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो मैं अभी बताऊंगा आपको।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लेजिस्लेटिव पावर पढ़ ली, चलिए एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ें। एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं बहुत सारी। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे एज इट इज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो सबसे पहले प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ये तो आप सब जानते हैं। ही इज हेड ऑफ द स्टेट ना, तो एग्जीक्यूटिव हेड है। माने कि अभी जो आपने प्रेसिडेंट का रिलेशन पढ़ा, मैं प्रेसिडेंट को अगर इस वे में रखूं सबसे टॉप पे, प्रेसिडेंट को हम यहाँ पे बना देते हैं प्रेसिडेंट, तो अभी प्रेसिडेंट का आपने रिलेशन पढ़ा था पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब प्रेसिडेंट का रिलेशन आप पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव के कॉन्टेक्स्ट में, अब कंफ्यूज मत करिएगा पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को। तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो, ठीक है, बट इन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, नॉट द डी फैक्टो, नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव, वो प्राइम मिनिस्टर है। कैसे काम होती है ये चीज उसको समझते हैं। देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं, तो इसके तहत प्रेसिडेंट को कुछ ताकतें दी गई हैं। सबसे पहली ताकत क्या है, ये प्रेसिडेंट ही हैं जो नई गवर्नमेंट को अपॉइंट करने का काम करते हैं। ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी नई सरकार बनाएगी। प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वो इनवाइट करेगी। कन्वेंशन अब ये है कि प्रेसिडेंट मेजोरिटी पार्टी को इनवाइट करते हैं, जिसको भी लोकसभा मेजोरिटी मिली है प्रेसिडेंट उसे इनवाइट करते हैं कि आप सरकार बनाइए, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है, तो ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी मतलब उनके विवेक, उनकी सोच पे निर्भर है, अब वो बाउंड नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो या तो किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कॉल कर दें, मेजोरिटी तो किसी को नहीं मिली फिर भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाएं, या फिर जो कोलिशन है, कोई गठबंधन है, चुनाव से पहले ही कोई गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जैसे पंजाब में बीजेपी अकाली दल लड़ते हैं, ये गठबंधन है। इस तरह से अगर कोई अलायंस लड़ रहा है तो उसको बुलाएं। तो सबसे पहला रूल ये है, कन्वेंशन ये है कि उन्हें सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना रहता है, या जो पोलिंग से पहले, इलेक्शन से पहले के अलायंसेस बने हैं उनको बुलाना रहता है। अगर दोनों में से किसी के पास भी नहीं बात बन रही, तो फिर जो आफ्टर पोल, पोस्ट पोल अलायंसेस होते हैं उसको बुलाना होता है। अगर पोस्ट पोल जो अलायंस है उसको बुलाना होता है, अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो फिर प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि अब अपने विवेक पर देखते हैं कि कौन सरकार बना सकता है, फिर वो उसको इनवाइट करते हैं। अगर इससे भी बात नहीं बन रही, अभी भी हंग असेंबली है, लटकी पड़ी है, फिर प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा चुनाव करने के लिए नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं कि दोबारा चुनाव होंगे। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात? अब इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, यहां पर हमने ये कहा कि प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन का काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट फॉर्म की। अब गवर्नमेंट फॉर्म किया तो गवर्नमेंट किससे बनती है? गवर्नमेंट को ही कहा गया एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कि किसको प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है या नहीं, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। अब ये लाइन सुन के ऐसा लगता है कि जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है वो पावरफुल कैसे हो गया, प्रेसिडेंट ने ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपनी चॉइस से अपॉइंट नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर मोस्टली लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी के एमपीज के द्वारा चुना हुआ लीडर ही होना चाहिए, यानी कि जिस भी किसी पार्टी को मेजोरिटी मिल गई है लोकसभा में, वो पार्टी के सभी मेंबर पार्लियामेंट आपस में मिलकर के एक मेंबर को लीडर अपना डिसाइड करेंगे, उस लीडर को ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। क्लियर है जी? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलता, लेकिन किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पार्टी पहले अपनी मेजोरिटी प्रूव करे। प्रेसिडेंट बिना किसी के मेजोरिटी प्रूव किए भी किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, उसे ये टाइम दे करके कि उसे अब अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है, और इसके लिए 1 मंथ का टाइम रहता है। प्रेसिडेंट उसके बीच में ही टाइम अलाउ करते हैं। हो चुका है प्रेसिडेंट के द्वारा 1977 के समय में मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो मोरारजी देसाई को यह कहा गया था, बना दिया गया था, और फिर उन्हें कहा गया था अब आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दीजिए। इसके बाद 1979 में चरण सिंह की सरकार थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें बना दिया गया पहले और फिर उन्हें कहा आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दीजिए। उसके बाद 1989 में वीपी सिंह की सरकार थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें अपॉइंट किया फिर उन्हें कह दिया गया कि आप प्रूव कर दीजिए। इस तरह से बहुत बार, चंद्रशेखर की सरकार थी 1990s में, इस तरह से काफी बार हुआ है। 1991, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, पहले नियुक्त कर दिया गया प्रधानमंत्री, फिर बोला प्रूव करिए, तो 13 दिन के अंदर अंदर ही
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, सिर्फ एक सीट ने, एक वोट नहीं मिला कॉन्फिडेंस मोशन में, ठीक है। इसी तरह से फिर देवेगौड़ा थे, देवेगौड़ा को भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया। तो कुल मिलाकर के ये प्रेसिडेंट हैं जो अपॉइंट पहले भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने मेजोरिटी दिखा दी है या नहीं। एक बात क्लियर हुई, बिना मेजोरिटी दिखाए भी वो पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। शर्त यह है कि उस पर्सन को प्रेसिडेंट के कहे टाइम के अंदर अंदर हाउस का जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर अपने फेवर में, फ्लोर में प्रेजेंट मेंबर्स की मेजोरिटी दिखानी होगी, ठीक है। मतलब लोकसभा टोटल 543 का है, और उस दिन जिस दिन मेजोरिटी प्रूव करनी है, उस दिन 500 लोग वहां पर मौजूद हैं, तो उस समय उस, और 500 ही वोटिंग में शामिल हो रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसमें से 251 मेंबर उस पर्सन को अपने फेवर में दिखाने हैं, तो वो प्रधानमंत्री रहेगा। कॉन्फिडेंस प्रूव कर दिया उसने, आई बात समझ में। सो द हाउस ऑफ द फ्लोर पर उसे अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी प्रेसिडेंट के कहने के मुताबिक, प्रेसिडेंट के दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर अंदर। इतनी बात क्लियर है जी। एक तो ये बात हो गई, पहले केस में तो हमने सिंगल मेजोरिटी पार्टी के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो वो तो जरूरी है, उसे बाईपास करके आप किसी और को तो प्राइम मिनिस्टर बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी का मेंबर तो अवेलेबल है। अब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर था कि वो किसी को भी बिना मेजोरिटी प्रूव किए, बिना कुछ भी बताए हुए ये कह सकता है कि आप आई और यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब आप 13 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कर देना। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, इस सेकंड केस में भी वो पर्सन लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर तो फिर भी था, थर्ड केस में वो किसी भी ऐसे शख्स को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है जो हाउस का मेंबर ही नहीं है, ना लोकसभा का मेंबर है, ना राज्यसभा का मेंबर है, ना मेजोरिटी भी नहीं है उसके पास। लेकिन शर्त यह है कि एक तो उसे 15 दिन के अंदर अंदर अपने फेवर में मेजोरिटी प्रूव करनी है, 15 दिन मैं बोल रहा हूं, मानो प्रेसिडेंट ने 10 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का, 20 दिन का, और दूसरा 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की किसी भी एक सीट से इलेक्शन जीतना है, उसे 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बनना होगा लोकसभा या राज्यसभा का। अगर 6 महीने से एक दिन भी ऊपर होता है और वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहा है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। आई बात समझ में। ये तीन डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट के पास, और ये डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली वैलिड है, आई बात समझ में। लेकिन अगर इन डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर कोई मालाफाइड एक्टिविटी पाई जाती है, या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पाई जाती हैं, या फिर ये आर्बिट्रेरी पाई जाती हैं, इरेशनल पाई जाती हैं, जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन है, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, मतलब जुडिशियरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वो प्रेजिडेंट के इस कदम को रिव्यू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। डन है जी। yes, इतनी बात क्लियर। yes, सरकार नियुक्ति करने का कंसेप्ट पता लग गया। yes, तो पहला ये था, तो सरकार नियुक्त करते हैं, दूसरा है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, तीसरा एस्पेक्ट सुनिए, प्राइम मिनिस्टर कब तक पावर में रहेगा, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट के ही प्लेजर तक वो पावर में भी रहेगा। अब ये लाइन सुनकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में आती है कि प्रेसिडेंट का प्लेजर माने प्रेसिडेंट की मर्जी के मुताबिक ही रहेगा, लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर पावर में तब तक रहेगा जब तक प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा का कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, यानी कि जब तक प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको मेजोरिटी मिली हुई है लोकसभा में, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं है। लेकिन ऐसा लाइन क्यों यूज किया गया कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, जैसे ही लोकसभा में उस प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल को मेजोरिटी लूज कर जाता है तो प्रेसिडेंट ही उन्हें फिर हटाता है ना। वो तो अच्छी बात है कि आप इस्तीफा दे जाते हैं, जैसे 1997 में देवेगौड़ा, उन्हें पता था नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो प्रेसिडेंट उन्हें उड़ाए, उसके पहले ही वो इस्तीफा दे गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप रेजिग्नेशन दे जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप अड़ ही गए हैं और आप अभी अभी मुझे प्रधानमंत्री बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया, 10 दिन के बाद बोला था तुम करा लेना कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट किया, फेवर में 100 वोट भी नहीं पड़े, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जिद पे अड़ गया, मैं प्रधानमंत्री में हटूंगा नहीं, तुम बताओ क्या करोगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बी आर अम्बेडकर ने प्रेसिडेंट को तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बनाया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। फिर प्रेसिडेंट उसे प्यार से दो बार पूछेंगे हटना, बोले नहीं, फिर पूछेंगे हटना कि नहीं हटना, बोले नहीं, बोले जुडिशियरी है फिर तुम्हें, बोले नहीं। तो फिर प्रेसिडेंट अपनी ताकतें इस्तेमाल करेंगे, ही इज कमांडर इन चीफ, तो सेना के किसी एक विंग को ऑर्डर कर देंगे कि बेटा इन्हें ले जाओ, वो फिर ले जाएंगे, आई बात समझ में, और फिर कोई ताकत रोक नहीं सकती, दैट इज द कंसेप्ट, आई बात समझ में। अब ऐसे में फिर प्रेसिडेंट सेना के साथ मिलकर के तख्ता पलट कर देंगे पाकिस्तान की तरह, तो नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 74
प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना तो चल ही नहीं सकते। तो प्रेसिडेंट के लिए क्लॉज रखा गया 1971 की एक जजमेंट कहती है कि चाहे कोई परिस्थिति हो जाए देश में, प्रेसिडेंट कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना नहीं रहेगा। इसलिए जब भी लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाए अगर, तब भी प्रेसिडेंट अकेला नहीं रहता क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी रहती है। जैसे सुनिए, मान लीजिए लोकसभा का टेन्योर खत्म हो रहा है, ठीक है जी, लोकसभा का 5 साल का टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो गया, अभी चुनाव चल रहे हैं, नई लोकसभा बनेगी, 1-1.5 महीना लग जाएगा। ऐसे में पुरानी लोकसभा तो खत्म डिसॉल्व हो गई ना, उसका टाइम पूरा हो गया, नई लोकसभा 1.5 महीने में बैठेगी। ये 1.5 महीने तक देश को राष्ट्रपति चलाएगा एकदम पूरा एब्सोल्यूटिस्ट वे में, पूरी तरह से अकेला बंदा नहीं, क्योंकि पुरानी लोकसभा से जन्मी हुई पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री वाली तब तक एग्जिस्टेंस में रहती है जब तक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आ जाती, क्योंकि राष्ट्रपति को अकेले कोई निर्णय लेने की आजादी नहीं दी गई है, उसे ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रहना। यही कारण है कि जब जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1970 और 80 के बीच में, ये 10 साल के दौरान, जब जब ऐसा फील हुआ कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है या मुझे सत्ता से गिराया जा सकता है, तब तक उसने राष्ट्रपति को यह कहा है लोकसभा डिसॉल्व कर दो, क्योंकि प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा डिसॉल्व कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तब तब प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट ही तो चेक करती है, पार्लियामेंट अब है ही नहीं चेक करने को, अब प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंटैक्ट रहेगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, सरकार मरेगी नहीं, कब तक, जब तक नई लोकसभा बनके नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आ जाती, और वो ऐसा होने नहीं देती थी क्योंकि वो फिर वो कर क्या कर देती थी, इमरजेंसी लागू कर दी 1975 में, क्योंकि उस दौरान इलेक्शन तो हो नहीं सकते, और इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं लेकिन किसकी एड एंड एडवाइस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उनके मंत्रीगण। इस तरह से अपना शासन चलाने की एक लंबी गेम ये भी थी, हमारी बात समझ में। ऐसे में फिर ये कहा है अब सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, अगर किसी भी प्रधानमंत्री के विषय में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विषय में ऐसा लगता है कि ये हाउस में कॉन्फिडेंस मोशन फेस करके लूज होने वाले हैं, पहली कंडीशन, या कॉन्फिडेंस मोशन में लूज कर गए हैं, इन दोनों कंडीशन में प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड कि वो उनकी एड एंड एडवाइस माने, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड कि वो उनकी एड एंड एडवाइस माने, माने लोकसभा डिसॉल्व करने को लेकर के अब प्रेसिडेंट को काफी ताकतें दे दी गई। पहले ये कहा जाता था कि प्रेसिडेंट अगर ये ऑब्जर्व करता है कि लोकसभा लोगों के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रही है, बहुत इरेशनल वे में चल रही है, मतलब छोटी छोटी पार्टियों ने कोलिशन बना ली, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, जनहित में कुछ नहीं, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर सजेशन दे देता था राष्ट्रपति को कि आप डिसॉल्व ही कर दो, ऐसी लोकसभा से तो ना ही होना अच्छा है, नए चुनाव करा लेते हैं, इसको 5 साल तक ढोने से बेहतर है कि हम नए इलेक्शन कराते हैं। तो पहले तो पूरी तरह से बाउंड था, लेकिन अब प्रेसिडेंट को थोड़ी ताकत दी गई है कि वो पूरी तरह से अपने आप को कंसिडर करेगा कि उसे लोकसभा डिसॉल्व करानी है या उस सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का प्रपोजल होना चाहिए और मौका दिया जाए अदर पर्सन को सरकार बनाने का, लोकसभा डिसॉल्व कराने से बेटर है नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने का चांस दिया जाए। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के ये प्रेसिडेंट की ताकत होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करे, लेकिन इसके लिए उसे किसकी एड एंड एडवाइस चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अब प्रेसिडेंट को थोड़ी ताकत और दी गई है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर गया है तो वो उसकी बात ना माने, और अगर उसे लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा तो भी वो उसकी बात ना माने। सेकेंड एस्पेक्ट, कभी भी राष्ट्रपति अकेला काम नहीं करेगा, चाहे लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई है तो भी राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक खत्म नहीं होती जब तक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बन जाती है। आई बात समझ में। नई सरकार के गठन तक पुरानी सरकार रहती है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया और प्रेसिडेंट ही बाकी सभी मंत्रियों को भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, और वो सारे मिनिस्टर भी कब तक अपने ऑफिस में रहते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक, यानी कि दो कंडीशंस में वो मंत्री हटेंगे। पहला, अगर पूरी लोकसभा में किसी एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है और वो पास हो जाता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही गिर जाएगी, क्योंकि सभी मंत्रियों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड्स द लोकसभा, नॉट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए मैं होम मिनिस्टर हूं और हरमनजीत डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है और वो पास हो गया है तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं गिरेंगे, हमारी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, क्योंकि वी ऑल आर कलेक्टिव,
हम स्विम भी एक साथ करेंगे, सिंक भी एक साथ करेंगे, इट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस केस में प्रेसिडेंट इन्हें उड़ाएगा मंत्रियों को, और दूसरा केस प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को कहेगा कि मुझे अब ये मंत्री नहीं चाहिए, आप दूसरे बंदे को ये मंत्रालय दो, इसे हटाओ। ऐसे में मिनिस्टर से दो चीजें कही जाएंगी, या तो आप रेजिग्नेशन दे दीजिए टाइमली आकर के, नहीं तो फिर हम आपको हटा देंगे, फिर प्रेसिडेंट हटा देगा, ठीक है। यानी कि होगा सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। प्राइम मिनिस्टर किसको मिनिस्टर बनाना चाहते हैं किसको नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करें, लेकिन मिनिस्टर पद की शपथ ग्रहण कराना और उसके माथे पे टैग लगाना कि ये मंत्री है, राष्ट्रपति करेगा। फिर किसको निकालना है ये भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, लेकिन उसे निकाल करके उसे रेजिग्नेशन लेटर पकड़ाना, या मतलब उसे जो भी उसे निकालने वाला लेटर देना, ये भी प्रेसिडेंट करेगा। तो बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स आर ऑन द मिनिस्टर्स आर ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसी लाइन आपको मेंस के प्रीलिम्स के एग्जाम में कंफ्यूज करती है, पर कंफ्यूज मत होना, बिकॉज प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इतनी बात समझ में आई, मंत्री और राष्ट्र प्रधानमंत्री के विषय में हो गया क्लियर। ठीक है, आ गया ये बात समझ में, आगे बढ़िए। देखिए और क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, प्रेसिडेंट ही है जो टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो अपनी पोजीशन पर रहते भी प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही है, प्रेसिडेंट जब चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हरा सकते हैं, उनका टेन्योर सिक्योर नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। जैसे कैग का या यूपीएससी के मेंबर्स का टेन्योर सिक्योर है ना, अटॉर्नी जनरल का टेन्योर सिक्योर नहीं है, ये बात क्लियर। उसे जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है। ये सारे ऑर्गन्स आप पढ़ोगे, कैग क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, आने वाले दिनों में पढ़ोगे। थर्ड, इसके अलावा हर 5-5 साल पर फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट इसलिए होती है कि इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे देश के कोर्ट्स में जाकर के, जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस में जाके कोई तो केस लड़ेगा ना, सारी सरकार तो जाकर के, जैसे मेरे खिलाफ केस है तो मेरा वकील लड़ता है, सरकार के खिलाफ केस है तो किस कौन सा वकील है, सरकार का एक वकील होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो जाकर के लड़ता है। इसी तरह से सरकार को आप सबने पैसा दिया, जनता ने टैक्स दिया, अब वो सरकार अपनी मर्जी से नहीं खर्च सकती, जनता के लिए खर्चना है, ये जनता का पैसा आना और जनता पे लगना, ये किसी अकाउंट के थ्रू होता है, उन सारे अकाउंट्स की देखरेख करने के लिए एक पर्सन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो भी देश के द्वारा नियुक्त होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इस तरह से सरकार पे चेक रखे हुए हैं। ऐसे ही सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी नाम का एक बोर्ड है जो आपका एग्जाम लेगा, उसका चेयरमैन और मेंबर भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। दैट्स वाई दे आर वेरी ऑटोनॉमस, ये किसी के अंडर बाउंड नहीं होते। प्रधानमंत्री ने ऑर्डर नहीं दे सकता मेरे भांजे को भर्ती ले ले आईएएस, ऐसा नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो ये इस तरह के काम है जो प्रेसिडेंट करते हैं, ये उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा लेकिन ये सारे के अपनी मर्जी से करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस, बस ये याद रखना। बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक सील बंद वारंट दे देती है प्रेसिडेंट के हाथ में, प्रेसिडेंट वो वारंट ऐसे ही पकड़ा देते हैं उस पर्सन को, वो पर्सन खोल के देखो माई नेम आई एम वेरी हैप्पी। आई बात समझ में? दिस इज द गेम। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा चीकू बड़े दिनों से तुम गांव में थे, मैंने सोचा तुम्हें अटॉर्नी जनरल ही बना दूं देश का, ऐसे नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एजेंट एडवाइस धन है जी। अगली एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हर जानकारी राष्ट्रपति को दे, पहली तो उसकी जिम्मेदारी ये हो गई। दूसरा, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को जो यूनियन है, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो डेली अफेयर्स हैं, क्या हुआ, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो डेली अफेयर्स हैं उसके बारे में राष्ट्रपति को बताए, ड्यूटी है। इसके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि अगर प्रेसिडेंट कहता है प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे यूनियन के अफेयर्स के बारे में और कोई भी लॉ या लेजिस्लेशन काउंसिल में पेंडिंग पड़ा है इसके बारे में बताओ, तो ये इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को फर्निश करनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट का कितना स्ट्रॉन्ग चेक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। समझ आ रही है बात, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेक रख रहा है सरकार के ऊपर, प्रेसिडेंट को सारी जानकारी देनी पड़ रही प्राइम मिनिस्टर को, और नहीं दे रहा तो प्रेसिडेंट मांग भी सकता है और फिर प्राइम मिनिस्टर बाउंड है जानकारी देने के लिए, ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं ये अभी आपके मतलब की ये बात नहीं है, वो कह सकता है जो नहीं मतलब की वो भी बता। दूसरी सबसे बड़ी बात,
प्रेसिडेंट ये कह सकता है प्रधानमंत्री को कि अगर कोई मंत्री जो तुम्हारी काउंसिल या कैबिनेट का कोई मंत्री है उसने कोई भी ऐसा बिल तैयार कर लिया है जो वो प्रेजेंट करने जा रहा है, लेकिन उस बिल के बारे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अदर मंत्रियों को नहीं बांधू, ये बिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रेजेंट करवाओ, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सभी मंत्रियों की। तो और डेमोक्रेटिक बनाने के लिए प्रोसेस ये ना होगी प्रधानमंत्री और दो तीन चुटकुन्नू उसके फेवरेट मंत्री मिलकर कुछ भी बना बुनू के करते रहे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी प्रेजेंट करो सबकी चर्चा के लिए, ये भी प्रेजिडेंट ऑर्डर करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स है, हमने कभी नोटिस नहीं करी, लेकिन 75 बंदों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15 बंदों की कैबिनेट से निकाल के एक बात पहुंचा देनी, ये बड़ी बात होती है, वरना प्राइम मिनिस्टर किसकी सुनता है, किसी की भी नहीं, ही इज ऑल पावरफुल। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की ड्यूटी है और प्रेसिडेंट ऐसा करता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि मंत्री का कोई भी लेजिस्लेशन या कोई भी रेजोल्यूशन काउंसिल में सबमिट कराना, एग्जीक्यूटिव के हर काम जो यूनियन अफेयर से जुड़े हुए हैं या किसी लेजिस्लेशन से जुड़े हैं उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को देना, जो अफेयर्स या लेजिस्लेशन से जुड़ी हुई जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो बाउंड मैनर में उसे प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के अपॉइंटमेंट से लेकर के प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की अपॉइंटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, उनकी रेजिग्नेशंस और उनके उनको हटा देना अपनी पदवियों से, फिर यूनियन के अफेयर्स से रिलेटेड सारे काम, ये सारी ताकतें हमने राष्ट्रपति को प्रोवाइड की हुई हैं। लेजिस्लेट बीच बीच में कुछ और भी ताकतें जब मैं प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाऊंगा जब याद आएंगी मैं आई विल एक्सप्लेन। ओके, अब हमने बात कर ली है लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, चलो बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। फाइनेंशियल पावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कितना डीप हो गया ना अब काम। फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए फाइनेंशियल पावर्स ये हैं कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल प्रेजेंट नहीं हो सकता जो मनी से रिलेटेड है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेजिडेंट। यानी कि अगर प्रेजिडेंट से पहले परमिशन नहीं ली है तो बिल प्रेजेंट ही नहीं हो सकता मनी से रिलेटेड, और उन बिल्स को हम क्या कहते हैं, मनी बिल। मनी बिल ठीक है, मनी बिल कोई भी बिल जिसमें फाइनेंसेस का लेन देन है, टैक्सेस का जिक्र है, उसको हम मनी बिल की कैटेगरी में डाल देते हैं आर्टिकल 110 में, और फिर उस बिल के ऊपर हमें पहले अनुमति लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, तो फिर वो प्रेजेंट होता है। और मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में पास होना होता है, राज्यसभा में नहीं। मनी बिल लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में ही पास होगा, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा तो सही, लेकिन राज्यसभा सिर्फ उसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के लिए रोक सकती है। अगर 14 दिन के अंदर अंदर भी राज्यसभा ने उसे पास नहीं माना तो लोकसभा उसे पास मान लेती है। अब मनी बिल के केस में फाइनेंशियल पावर तो दे दी कि प्रायर परमिशन लो, तो क्या मनी बिल के केस में वीटो पावर है? मनी बिल के केस में सिर्फ 2 वीटो पावर कर सकता है प्रेसिडेंट, क्या? या तो मनी बिल को वो असेंट दे देगा या फिर 2 वीटो यूज करेगा, कौन सी? या तो वो उसे विदहोल्ड कर लेगा, कैंसल कर देगा, या फिर उस मनी बिल को पूरी तरह से पॉकेट में डाल देगा, पॉकेट वीटो, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि थप्पड़ पड़ जाएगा, भाई तेरे से पूछ के तो पेश किया था, तब क्यों नहीं तूने बताया? यू आर किलिंग द टाइम, यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ पार्लियामेंट। जब पहले तुम क्या मतलब छुट्टियों पे थे क्या, जब तुम्हारे पास पहली बार भेजा था गुलाब के बाग देख रहे थे अपने राष्ट्रपति भवन में और ऐसे ही कह दिया हाँ हाँ ठीक है बस कर दो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती है। मनी बिल रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता, यानी कि सस्पेंसिव वीटो नहीं यूज हो सकती, क्योंकि वो तो आया ही महाराज की सहमति से है, और अगर इसके बाद सहमति देने के बाद भी वो आपत्ति में है, विदहेल्ड कर दो या फिर पॉकेट में डाल दो। तो ऐसा पहले हो चुका है। कैसे हो चुका है? एक बिल लाया गया था जिसके अंदर सैलरीज को लेकर के कोई कुछ कंसेप्ट थे, उस बिल को उस टाइम पर पॉकेट वीटो के तौर पर डाल लिया गया था जेब में, फिर नए राष्ट्रपति ने आकर के उसके ऊपर विचार लिया था, क्योंकि उस दिन सरकार जस्ट जाने ही वाली थी, लास्ट डे था लोकसभा का, और भागते भागते उन्होंने वो बिल पास किया वोट बैंक अर्न करने के लिए। आई बात समझ में? दैट इज द कंसेप्ट। तो कुल मिलाकर के ये मनी बिल का केस था। दूसरा फाइनेंशियल पावर क्या है? ये प्रेसिडेंट ही हैं जो ये एंश्योर करते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाए पार्लियामेंट में, यानी कि बजट। ये प्रेसिडेंट ही एंश्योर करते हैं। मान लो आप मतलब कर ही नहीं रहे हो बजट, आप ऐसे कह रहे हो कि मैं नहीं करना, बजट नहीं पेश करना, तो प्रेसिडेंट विल कॉज, प्रेसिडेंट करेंगे, करवाएंगे, तो प्रेसिडेंट को ये फाइनेंशियल पावर है, वो आपको कहेंगे कि बेटे बजट पेश कर दो जरा अच्छे से, तो बजट आपको पेश करना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, किसके कहने पर? प्रेसिडेंट के कहने पर। डन है जी। तीसरा, बजट वाले दिन क्या होता है कि सरकार अपने सारे मंत्रियों को बुलाती है, मैं प्रधानमंत्री हूं ना,
तो मैं आप सबको बुलाऊंगा, आओ आओ आओ, आप सब आएंगे। और आप सबको मैं बोलूंगा, तुम बाल कल्याण, महिला कल्याण, सड़क विभाग, जल विभाग, आप सबको मैं बोलूंगा कि आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं। आप बोलेंगे सर इतने किलोमीटर सड़क, इतना जल मार्ग, इतने पर्वत श्रृंखलाएं, मेरी इतनी इतनी मांग है, ये आपकी डिमांड हो गई। फिर वो सारी डिमांड्स पेश होती हैं लोकसभा में, और फिर लोकसभा के सभी ओपोजिशन और सारे अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छा जल विभाग वाले ने इतना पैसा मांगा है, ये बताया कि यहाँ यहाँ लगाएगा। तो अगर लोकसभा में वो डिमांड पास होती है तो फिर उसके उसके ऑपोजिट क्या जनरेट होती है, ग्रांट। 100 रुपया मांगा, डिमांड रखी, 100 रुपया ग्रांट हो गया, तो डिमांड के अगेंस्ट ग्रांट जनरेट होती है। तो कोई भी डिमांड ग्रांट के लिए प्रेजेंट नहीं हो सकती प्रेजिडेंट की असेंट के बिना, प्रेजिडेंट की सहमति के बिना, क्योंकि मनी बिल उनकी मर्जी से ही आएगा। बस ये आपको फंसाने के लिए अलग से एक क्लॉज है, ठीक है। कोई भी ग्रांट किसी डिमांड पे बन नहीं सकती विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेजिडेंट। डन है जी, आई बात समझ में। सेकेंड आस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फंड होता है कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इमरजेंसी फंड, कॉन्टिंजेंसी आती रहती है लाइफ में। सरकार के सामने कोई अनफॉरसीन कंडीशन आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई हालात, सूखा, बाढ़, भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, सरकार को इस हालात से निपटना है, तो इमीडिएटली प्रेसिडेंट ये फंड जनरेट इशू कर सकता है गवर्नमेंट के फेवर में। इसे कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के अधीन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर। तो कुल मिलाकर के इस तरह की कुछ फाइनेंशियल पावर है कि मनी बिल पहले परमिशन के साथ पेश होता है, प्रेसिडेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट डाउन करने को कहता है, ये प्रेसिडेंट की ही जिम्मेदारी है कि वो देखे कि ग्रांट्स जो मेड हो रही हैं वो डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में किस वे में हो रही हैं। ये प्रेसिडेंट ही है जो डिसाइड करता है कि कॉन्टिजेंसी फंड से पैसा देना है, उसकी अथॉरिटी है इसके ऊपर। तो इस तरह की फाइनेंशियल पावर वो यूटिलाइज करते हैं। प्रेसिडेंट के पास और भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या? कैग की रिपोर्ट प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट प्रेजिडेंट ही प्रेजेंट करता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट किसको फाइल करता है, प्रेजिडेंट को। उसके बाद यूपीएससी की रिपोर्ट प्रेजिडेंट फाइल करता है, ठीक है। ये इस तरह की रिपोर्ट्स हैं जो प्रेजिडेंट ही फाइल करता है। हमने फाइनेंशियल पावर पढ़ ली है, एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ ली, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ ली, और कितनी पावर पढ़नी है, चलो थोड़ी सी फिर वो वाली पावर भी पढ़ लें, डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर क्या है? भारत में से भारत का कोई भी मंत्री बाहर जाए, भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाए, भारत का वाइस प्रेसिडेंट बाहर जाए, कोई भी जाए, बाहर जाकर के कोई भी एक्सटर्नल अग्रीमेंट, ट्रीटी, अकॉर्ड कुछ भी साइन करके आए, सब कुछ किसके नाम पे साइन होता है, प्रेसिडेंट के। सब कुछ किसके नाम पे साइन होता है, सबका प्रेसिडेंट के नाम पे लगेगा, प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होता है। लेकिन हर चीज अप्रूव करानी पड़ती है वापस आके, कहां से, पार्लियामेंट से, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री में जाकर के फ्रांस के साथ एक डिफेंस अग्रीमेंट कर लिया कि हम आपसे इतने सारे रफेल और ये सब खरीदेंगे, कोई बात नहीं, करके आ जाओ, 2 लाख करोड़ का तुम तो बेचाओ देश को, कोई बात नहीं। तुम गए वहां जाकर, तुम उनका डिनर बहुत पसंद आ गया, तुम उन्हें कहा मैं 4 लाख करोड़ के जहाज ले लूंगा तुमसे, मेरी दीवानगी तुम जानते नहीं, चलो कर दिया तुमने अग्रीमेंट, वो भी बड़े खुश हो गए। लेकिन उन्हें भी पता है क्या ही ताकत है ये, वापस जाकर के ऐसे तो अपनी पार्लियामेंट से ये बिल पास कराना है, वहां पे बैठेंगे ओपोजिशन वाले, वो तो पास ही नहीं होने देंगे। लेकिन वहां पर जो आप ये अग्रीमेंट करके आए हैं ना, आपका क्या है भाई, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपकी तो सरकार लुढ़क लेगी, मतलब 3 महीने बचे थे आपकी सरकार जाने में, 5 साल पूरे हो रहे थे, और ये श्योर था कि आप दोबारा चुन के नहीं आने वाले, ऐसे में आप फ्रांस गए सबसा समझौते कराए, तो इसके नाम पर होगा जो परमानेंट है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफिस के नाम पर होगा, राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा, सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रपति के नाम पर ही चलते हैं। इसके बाद अब आप कहेंगे राष्ट्रपति खुद जाके कुछ भी करके आ जाएगा, प्रायर टू द परमिशन, दे आर रिजर्व फॉर द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की अनुमति चाहिए। दूसरा, डिप्लोमेटिक पावर्स, ये प्रेसिडेंट के ऊपर ही, ये प्रेसिडेंट ही होता है जो विदेशों से आने वाले सारे हाई कमीशंस एम्बेसडर्स को रिसीव करता है, और जितने भी हमारे हाई कमीशंस एंड एम्बेसडर्स जाते हैं प्रेसिडेंट ही भेजते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं, आओ 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 ऐसे गले मिलेंगे, प्रेसिडेंट के नाम पर ही रिसीव होते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट खुद छोड़ने जाते हैं ट्रेन और एयरपोर्ट में, तुम इराक जा रहे हो, आई विल मिस यू, ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट के नाम पे जाते हैं। प्रेसिडेंट तो खुद ही बड़े परेशान रहते हैं।